नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान्सहगणललिताश्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धुदीनबन्धुजगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनि गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णभ्रष्टाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नित्यनामने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हम लोग भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित कल्याण कल्पतरु ग्रंथ पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम लोग उनके द्वारा लिखित भजन 5 पर चर्चा करेंगे। भक्ति विनोद ठाकुर अपने मन को शिक्षा दे रहे हैं और हम लोगों को अपने मन को माध्यम बना करके शिक्षा दे रहे हैं। जैसे भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाया तो अर्जुन को निमित्त बना के पूरे संसार के लिए गीता का ज्ञान सुलभ हुआ। इसी प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर अपने मन को समझाने के माध्यम से हम सबके मनों को शिक्षा दे रहे हैं कि हमारा जो मन है वो हमारे नियंत्रण से बाहर है। तो हम लोगों को अपना मन कैसे सही डायरेक्शन में ले जाना है इस पर चर्चा चल रही है। तो 5वें भजन में भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं, मन तब केन ये संशय जड़ प्रति घृणा करी भजते प्रेमेर हरि स्वरूप लक्षिते कर भय। इसका हिंदी में अर्थ है, हे मेरे मन तुमको यह संशय क्यों है, तुम परम प्रेम श्री भगवान कृष्ण की सेवा में रत होकर भी जड़ पदार्थ का संग त्यागने से क्यों डरते हो। वास्तव में यही कारण है कि तुम भगवान का दिव्य रूप देखने के प्रति अनुच्छुक हो। तो भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं,
कि तुम जो जड़ पदार्थ है उसको देखने से, उसका संग त्यागने से डरते क्यों हो। भक्ति विनोद ठाकुर, हम लोग जैसा कि पहले चर्चा कर चुके हैं, उस जमाने में भारतीयों को अंग्रेजी शासन में सबसे ऊंचा पद डिप्टी मजिस्ट्रेट का दिया जाता था। तो भक्ति विनोद ठाकुर उस समय डिप्टी मजिस्ट्रेट थे और उनके 10 संतानें थीं और इतना बड़ा परिवार और इतनी जिम्मेदारी की जॉब होते हुए भी अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपने पारिवारिक और कार्यालय के उत्तरदायित्वों को निभाते हुए उन्होंने 100 से अधिक ग्रंथों की रचना की। तो उन्हीं में से एक ग्रंथ है कल्याण कल्पतरु, जिसके 5वें भजन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि वो बोल रहे हैं अपने मन के माध्यम से, अपने मन को समझा रहे हैं कि तुम जड़ पदार्थ के संग से त्याग करने को क्यों डरते हो। हम सब लोग भी डरते हैं कि नहीं डरते हैं? संसार में जड़ पदार्थ क्या है? क्या जड़ पदार्थ है बताएंगे आप में से कोई? प्रभु जी, जो मटेरियल चीजें हैं वो जो हाँ, तो संसार में जो कुछ है वो सब क्या है? जड़ ही तो है। हमारा शरीर जड़ है, हमारा पति का शरीर जड़ है, पत्नी का शरीर जड़ है, बच्चों के शरीर जड़ हैं, ये घर जड़ है, ये संसार जो है वो जड़ से बना है, पदार्थ से बना है। और हम लोगों ने पदार्थ का अनंत जन्मों से बहुत गहरा संग किया है, इसलिए हम स्वयं को भी पदार्थ मानने लगे हैं, क्योंकि अनंत जन्मों से हमने अपने को शरीर माना है। जिस योनि में, जिस शरीर में रहे, उस शरीर को ही मैं मान लिया। जैसे वर्तमान समय में आपके पास स्त्री का शरीर है तो आप अपने को स्त्री मान रहे हो, यानी आप पदार्थ ही मान रहे हो। किसी के पास पुरुष का शरीर है तो वो अपने को पुरुष मान रहा है, किसी के पास पशु का शरीर है तो वो अपने आप को पशु मान रहा है, लेकिन ये जड़ पदार्थ वो नहीं है। यानी या ना हम स्त्री हैं, ना हम पुरुष हैं, ना हम पशु हैं, ना पक्षी हैं। संसार में, वास्तविकता में जितने भी पदार्थ दिख रहे हैं वो हमारी वास्तविक पहचान नहीं है, लेकिन हमारा मन पदार्थ के संग से बाहर निकलने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो पदार्थ, वो सब कुछ मानता है, वो पदार्थ ही तो है, मैं ही तो हूं, मैं ही शरीर ही तो हूं, ये संसार ही तो है। तो जितनी भी चीजें हम लोग देख रहे हैं वो सब पदार्थ से बनी है और पदार्थ से इतना अधिक संग है हमारा कि हम पदार्थ को त्यागने से डरते हैं और पदार्थ के चिंतन के त्याग से डरते हैं। पदार्थ को त्यागने से डरते हैं और उससे भी ज्यादा सूक्ष्म बात है, पदार्थ के चिंतन को त्यागने से डरते हैं। पदार्थ का चिंतन के बिना भी हमें लगता है हम कैसे रहेंगे, ये संभव नहीं है। तो यहां भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि तुम परम प्रेम में भगवान श्री कृष्ण की सेवा में रत होकर भी जड़ पदार्थ का संग त्यागने से क्यों डरते हो। वास्तव में यही कारण है कि तुम भगवान का दिव्य रूप देखने के प्रति अनुच्छुक हो। हम में से किसी को ये इच्छा होती है कि हम भगवान का रूप देखेंगे या भगवान का दर्शन करेंगे, क्योंकि पदार्थ से ही फुर्सत नहीं है। सुबह से शाम तक पदार्थ का चिंतन चलता है, पदार्थ का पुत्र, पदार्थ की पत्नी, पदार्थ का पति, पदार्थ का घर, पदार्थ की गाड़ी, पदार्थ के ऑफिस, पदार्थ के शहर, पदार्थ के देश, चारों तरफ पदार्थ ही पदार्थ है। और जो भगवान
नित्य हैं, शाश्वत हैं, भगवान पदार्थ से बने हुए नहीं हैं। पदार्थ पंच तत्वों से बना है और गीता के अनुसार गहराई से चिंतन किया जाए तो अपरा शक्ति को पदार्थ बोलते हैं। और ये किससे बना है? अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, मन, बुद्धि, अहंकार। पदार्थ और आत्मा, परमात्मा, ये पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हैं। और ये किससे बने हैं? ये बने हैं सच्चित आनंद से। यानी हम बने हैं सच्चित आनंद से, लेकिन हम मान रहे हैं कि हम बने हैं पदार्थ से। हम स्वीकार कर रहे हैं कि हम अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, मन, बुद्धि, अहंकार से बने हैं और इसी को मैं मान रहे हैं, जबकि वास्तविकता में हम सच्चिदानंदमय हैं। हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। लेकिन ये बोल देते हैं हम लोग, सुन लेते हैं हम लोग, लेकिन इस पर विचार नहीं है गहरा। हमारा अटैचमेंट पदार्थ से ही है, हमारा चिंतन पदार्थ का ही है। हम इस पदार्थ के चिंतन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसीलिए भगवान को देखने की, भगवान का दर्शन करने की, सच्चित आनंद को देखने की, समझने की, मिलने की कोई आकांक्षा हृदय में उत्पन्न नहीं हो रही है। क्योंकि पदार्थ का जो संग हो रहा है, पदार्थ का जो चिंतन हो रहा है, वो सच्चित आनंद के चिंतन की ओर मुड़ने ही नहीं दे रहा है। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि मेरे मन, तुम इस पदार्थ के चिंतन से निकलो और सच्चिदानंद भगवान का चिंतन करो। हम लोग भगवान का चिंतन करते हैं या पदार्थ का चिंतन करते हैं? सच्चित आनंद का चिंतन करते हैं या अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, मन, बुद्धि, अहंकार का चिंतन करते हैं? 24 घंटे किसका चिंतन होता है, विचार कर लीजिए। आपका, आप अपने मन को भी तो बोला करो कभी कुछ। भक्ति विनोद ठाकुर किसी को प्रवचन नहीं कर रहे हैं, अपने मन को कर रहे हैं। और हम लोग संसार को प्रवचन करना चाहते हैं, अपने मन को छोड़ देते हैं। तो यही हम लोगों से भूल हो जाती है कि हम अपने को नहीं समझाना चाहते, संसार को समझाना चाहते हैं। हमारे जैसे लोग तो संसार को ही समझा रहे हैं, अपने मन को किस जन्म में समझाएंगे? मन जो है वास्तविकता में बहुत बिगड़ गया है। जैसे बच्चे बिगड़ जाते हैं ना, बच्चे बिगड़ते हैं ना। आप लोगों के बच्चे बिगड़े हैं कि सुधरे हैं? आप कहेंगे तो पर्सनल प्रश्न है, बता दो क्या विचार है, बच्चे बिगड़े हैं कि सुधरे? अच्छा, बिगड़ना किसे कहते हैं, सुधरना किसे कहते हैं? भाई बिगड़ने का मतलब है जो माता पिता की बात को माने, आज्ञाकारी हो, जैसा माँ बाप कहें वैसा करे, तो फिर बच्चा बिगड़ा हुआ नहीं कहा जाएगा। और अगर बच्चा अपनी मनमर्जी से कार्य करे तो बिगड़ा हुआ कहा जाएगा। और माता पिता बच्चे की स्थिति के अनुसार कार्य करें तब तो बच्चा बहुत ही बिगड़ गया है। बच्चे ने कहा मम्मा हमको मॉल में जाना है, तो मम्मा तैयार हुए, चलो बेटा मेरे जीवन का एक लक्ष्य तुम्हें प्रसन्न करना ही तो है। हमारे जीवन का और आधार क्या है? एक तुम ही तो हो मेरे आधार, मेरे लाडले लाल, मेरी लाडली पुत्री, तुम्हारे लिए ही तो मैं जी रही हूं या जी रहा हूं। और जीवन का क्या उद्देश्य है? तो ऐसी भावना रख करके बच्चों की इच्छा पूर्ति कर करके हम उनको बिगाड़ देते हैं। और आपको बताने की जरूरत नहीं है, 99.9% लोगों के घरों के बच्चे आजकल बिगड़े हुए हैं। बच्चों के बिगड़ने में बच्चों का दोष नहीं है, बच्चों के माता पिता का दोष है। माता पिता का दोष क्यों है? क्योंकि बच्चों की खुशी के लिए वो ऐसा नहीं करते हैं, वो अपनी खुशी के लिए करते हैं। तो इसी प्रकार से जो हमारा मन है वो मन भी बिगड़ गया है,
और मन को बिगड़ने का कारण क्या है? क्योंकि हमने मन को स्वतंत्र छोड़ दिया है। जो मन ने डिमांड की उसको पूरा कर दिया, जो मन ने इच्छा की उसको कर दिया। मन में विचार आया और इंद्रिया क्रियान्वयन हो गई उसको पूरा करने के लिए। तो चूंकि हमने मन के अनुसार सारे कार्य किए हैं, इसलिए हमारा मन रूपी बच्चा बिगड़ गया है। जैसे घर में हम अपने बच्चों की अगर जो बच्चे कहें वो पूरा करते रहें तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। कई बार लोग बहुत अधिक लाड़ प्यार में रखते हैं बच्चों को और इतना प्रेम करते हैं कि बच्चे जो कहते हैं वो वही करते हैं, तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। इसी प्रकार से आपने अनंत जन्मों से अपने मन रूपी बच्चे को बिगाड़ रखा है। क्योंकि अनंत जन्मों से जब पशु थे, पक्षी थे, मनुष्य थे, स्त्री थे, पुरुष थे, या जब से पैदा हुए हो तब से विचार कर लो, अपने मन को खुली छूट दे रखी है हम सब ने, और जो मन कहता है वही हम लोग करते हैं। तो इसका परिणाम क्या हुआ है कि हमारा मन हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया है। अब हमारा मन हमारी बात सुनना नहीं चाहता है। और अगर मन को कंट्रोल में करने की कोशिश करो तो मुझे बहुत पीड़ा देता है और हम परेशान हो जाते हैं। तो यहां पर भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि हे मन, तुम पदार्थ के चिंतन से बाहर निकलो, तुम पदार्थ नहीं हो, या पदार्थ तुम्हारा नहीं है। हमारा सबसे बड़ी माया क्या है? माया का मतलब होता है मा मीन्स यह नाम, माया मीन्स होता है ब्रह्म, जो नहीं है उसे हम वो मान रहे हैं। तो हम अपने को क्या मान रहे हैं? पदार्थ मान रहे हैं, और अपने से जो संबंध है चारों तरफ उसको भी पदार्थ मान रहे हैं, शरीर मान रहे हैं अपने को, और अपने से जुड़े हुए जो शरीर हैं उनको अपना मान रहे हैं। आप क्या मानते हैं? ये घर मेरा है, ये पति मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये बच्चा मेरा है। मानते हैं कि नहीं मानते? इसमें कोई डाउट है क्या? ऐसा सोचते हैं हम कि नहीं सोचते हैं? प्रीति माता जी, ऐसा सोचती हैं आप? ये आप लोग अदृश्य मुद्रा में रहते हो, ये बहुत गलत बात है। थोड़ा प्रकट रहा करो, आप लोग देखते रहा करो, समझ में आता है? सो रहे हो या बैठे हो, सुन रहे हो, क्या कर रहे हो? आईपैड वाले तो नाम भी नहीं लिखते, वो बिल्कुल गायब ही हैं। चलो आपकी इच्छा। प्रभु जी, वो आंटी है, सोनिया जी की मम्मी है। अच्छा, कोई बात नहीं, तो आंटी को प्रकट होना चाहिए कम से कम, या आकाशवाणी की तरह हम भी बोलें। जैसे आकाशवाणी हुआ करती थी ना पहले, तो दिखता नहीं था वो व्यक्ति, लेकिन आवाज आती थी। देवकी माता को लेकर के, जब वसुदेव देवकी को लेकर के कंस जा रहा होता है ना, तो आकाशवाणी होती है। कोई दिखा नहीं था, बस आकाशवाणी हुई। जिस बहन को तुम रथ पर लेकर के जा रहे हो, उसका आठवां पुत्र तुम्हारा काल बनेगा, ठीक है ना? तो मुझे लगता है मैं भी फिर ऐसे ही आराम से लेटे लेटे बोला करूं, ये सब वीडियो बंद कर दूं। चलो खैर, तो हम लोग जी ऐसे सोचते हैं जैसे आप बोल रहे हो ना कि ये हमारे बच्चे हैं, हमारा घर है, ऐसे सोचते हैं हम लोग। तो अब कब से सोच रहे हो आप ऐसा? प्रभु जी, जब से बच्चे हैं तब से बच्चों के बारे में सोचे कि बच्चे हमारे हैं, और जब से घर है तब से घर के बारे में सोचते हैं कि हमारा घर है। तो जब से शरीर है तब से शरीर के बारे में सोचते हो, ये हमारा शरीर है। और ये कितने जन्मों से चला आ रहा है भाई? इस जन्म में है तो पिछले जन्म में भी तो ऐसे ही सोच रही होगी। हाँ, वो तो पता नहीं प्रभु जी कितने जन्म से चला। अच्छा, ये सोचता कौन है? मतलब हम वही आत्मा, जैसे आप बोलते हो कि वो अपने आप को शरीर मानने लग गया है। नहीं, तो वही अपने आप को शरीर समझो। ये कौन सोचता है कि बच्चे मेरे हैं, शरीर मेरा है, घर मेरा है? ये कौन सोचता है? सोचने की सेवा है किसकी शरीर में? आत्मा की नहीं, मन।
हाँ, तो अभी तक आप यही नहीं समझे हो, ध्यान से सुनो, समझो। मन सोचता है, ये मन का सेवा क्या है? सोचना, विचारना। बुद्धि का कार्य है निर्णय देना, और अहंकार का कार्य है मैं और मेरे में बांध देना। मन सोचता है, आपका मन कहता है कि ये शरीर तुम हो, ये बच्चे मेरे हैं। अच्छा, बच्चे आपके हैं? कंफर्म है? अभी कब से बच्चे आपके हैं? जब से जन्म लिए हैं? उससे पहले बच्चे कहाँ थे? भाई, जो चीज हमारी है वो हमारे साथ रहेगी हमेशा, हमसे अलग नहीं होगी। लेकिन हम लोग उतना गहराई से चिंतन ही नहीं कर पाते, और बस जितना समझ में आता है, जितना दिखता है, उसी आधार पर सोचते हैं, विचारते हैं और कार्य करते हैं। सत्य को समझना ही नहीं चाहते हम। हमारी सबसे बड़ी समस्या है सत्य को समझना नहीं चाहते। पहले तो सत्संग का सौभाग्य नहीं मिलता, वैसे तो गली गली में सत्संग हो रहे हैं, लेकिन उनमें सत्य की चर्चा को छोड़ करके और कुछ और ही हो रहा है। नाम दे दिया गया बस सत्संग, और आम जनमानस को लगता है अरे सत्संग हो रहा है। और सत्संग से उनका मतलब क्या है? कि जहां बस भगवान क्या नाम हो, देवी देवताओं का नाम हो, उनकी चर्चा हो, तो बस सत्संग हो गया, भजन हो जाए, सत्संग हो गया, और क्या है। लेकिन इसको साइंटिफिक लेना चाहिए, वैज्ञानिक लेना चाहिए, प्रैक्टिकल लेना चाहिए कि सत्य को समझो तो सही। सत्य क्या है? तो पहले तो जीवों को वास्तविक सत्संग सुलभ ही नहीं है, बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ नहीं, अत्यंत दुर्लभ है सत्संग, बहुत दुर्लभ है। ब्रह्मांड भ्रमते कौनु भाग्यवान जीव, ब्रह्मांड में भ्रमण करने वाले किसी भाग्यवान जीव को प्राप्त होता है। आप कहेंगे नहीं, हमारे भारत में तो गली गली में हो रहा है। अगर गली गली में सत्संग हो रहा होता तो जीवन का स्वभाव बदला होता। लेकिन आप देखो, जितने सत्संग हो रहे हैं उतने ही लोग बिगड़ रहे हैं। तो सत्संग का स्वरूप निश्चित रूप से कुछ न कुछ कमी हम लोगों से हो रही है, कि हम लोग सत्संग को वास्तविकता में समझ नहीं पा रहे। सत्संग है क्या? बस किसी को भी सत्संग माने ले रहे हैं। तो प्रमाणित शास्त्र और प्रमाणित संत की बात को दोहराना ही सत्संग है, क्योंकि उनका चिंतन पूर्ण रूप से सत्य पर आधारित है। बस वर्तमान आचार्य शास्त्र तथा गुरुजनों की बात को सरल करके समझा देते हैं, जिससे कि वो हमारे हृदय के अंदर चला जाए। बस ये सेवा है। कुछ विद्वत्ता दिखाने की आवश्यकता नहीं है, कोई नई खोज करने की आवश्यकता नहीं है, अपना नया विचार देने की आवश्यकता नहीं है। केवल जो शास्त्र में लिखा है, प्रमाणित गुरुजनों ने शास्त्र के आधार पर जो ज्ञान दिया है, बस उसको समझना और अपने मन को समझाना। तो आप लोग अपने मन को समझाते हो? देखो, भक्ति विनोद ठाकुर ने कितना मन को समझाया। आप कभी अपने मन को समझाते हो? बोले नहीं, हम तो 16 माला करते हैं, बस 4 नियम पालन करते हैं। अच्छा है, 16 माला 4 नियम हमारे आध्यात्मिक जीवन का आधार है, लेकिन हमारा चिंतन सही डायरेक्शन में जरूर जाना चाहिए। जब तक हमारा चिंतन सही डायरेक्शन में नहीं होगा,
तब तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि तुम प्रेममय भगवान श्री कृष्ण की सेवा में रत होकर भी जड़ पदार्थ का संग त्याग करने से क्यों डरते हो? वास्तव में यही कारण है कि तुम भगवान के दिव्य रूप को देखने के प्रति अनिच्छुक हो। क्या वास्तव में भगवान को देखने की हमारे हृदय में लालसा जागी है? The blue truth devises a needy to tell. ये आपके घरों की आवाजें आ रही हैं। तो क्या आप लोग भगवान को देखना चाहते हो? क्या अंदर से कोई ऐसी इच्छा है मन की? नहीं, मन को बच्चा, बच्चे को मन देखना चाहता है। मान लो बच्चा नानी के यहाँ चला जाए तो मन तड़प उठता है, अरे बहुत दिन हो गए बच्चा मिला नहीं, बच्चे की आवाज़ नहीं सुनी, बच्चे को गले नहीं लगाया, बच्चे को देखा नहीं, सब घर सूना लग रहा है, सब बेकार लग रहा है। ये कौन कहता है? मन, मन ही बोलता है, आत्मा नहीं बोलती प्रीति माता जी, मन बोलता है। ये मन का विचार है। लेकिन वो ही जी प्रभु जी, जैसे यहाँ पे आप बच्चे का बोल रहे हैं तो एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए हम सत्संग को या उसमें बहुत समय देने लग जाते हैं, हमें लगता है कि यही हमारा यू नो कर्तव्य होना चाहिए अपने आत्मा के प्रति साक्षात्कार, तो लेकिन जब बच्चों को इग्नोर कीजिए तो उस समय लगता है कि आप अपनी ड्यूटी भी अच्छे से नहीं अगर कर रहे हैं, तो फिर उसमें भी मन नहीं लगता है। नहीं नहीं देखो, आप इसे समझना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखो इसको समझिए, यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है कि आप अपनी ड्यूटी को ध्यान मत दीजिए, मन को सुधारना है। जो मन बच्चों को अपना मान करके चिंतन कर रहा है उससे बाहर निकलना है। आपको बच्चे को प्रॉपर स्कूल भेजना है, बच्चे को प्रॉपर टाइम से नाश्ता देना है, उसको टाइम से तैयार करना है, लेकिन बस इस गलत फहमी से बाहर निकलना है कि वो तुम्हारा बच्चा है। इस भ्रांति से बाहर निकलना है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बच्चों का ध्यान ना दो या बच्चों को केयर ना करो या उनको प्रॉपर भोजन ना दो या उनको शिक्षा ना दो। बोले अब मैं तो आत्मा हूँ, बच्चों से कोई संबंध नहीं है, मुझे ज्ञान मिल गया है। बोले ये तो मैं फंस गई थी ज्ञान में, अब बच्चों को बोले अब अरे जो करना है तो करो जाके, दुष्ट जीवात्मा तू मेरा मोह भंग कर रहा है, तो मुझे आसक्त कर रहा है, दिख मत जाना मेरे सामने, अब मैं भजन कर रही हूँ कर रहा हूँ, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। देखो गड़बड़ी मन कर रहा है ना, उत्तरदायित्व तो पूरे निभाने हैं भाई। उस जीवात्मा को पुत्र बनाकर पुत्री बनाकर के आप अपने संसार में लाए हो, आप अपने घर में लाए हो, तो उसका ध्यान रखना आपका कर्तव्य है। लेकिन उसका ध्यान रखने का मतलब है वो भी जीवात्मा है, उसको भी सत्संग सुनाओ, उसको भी भगवद गीता पढ़ाओ, उसको भी भागवत का ज्ञान दो, उसको भी सत्य का ज्ञान दो। अगर आप में से आप लोग अगर सच में अपने बच्चे से प्रेम करते हो, सच में बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, आप लोग अपने बच्चों से प्रेम करते ही नहीं हो, बच्चों के शत्रु बने हुए हो, मित्र नहीं हो बच्चों के। क्योंकि हम लोगों का बच्चा कब तक जीवित है, क्या गारंटी है आपके पास कि नहीं ये तो बूढ़ा हो गई, बूढ़ा होने के बाद ही मरेगा मेरा बच्चा, क्या ऐसा है? अरे भाई बच्चा भी तो जीवात्मा है, उसका भी तो अपना यात्रा है और वो भी कभी शरीर छोड़ सकता है। तो उसको भजन कराना, उसको माला करवाना, उसको एक श्लोक पढ़ाना, तो आजकल हम क्या बोलते हैं? बोले आजकल के बच्चों भी ना वो अपने मन से चलते हैं, उनको क्या बोले हैं? अरे बच्चे क्या मन से चलते हैं, जब तुम ही अपने मन से चल रहे हो तो बच्चे तो चलेंगे ही चलेंगे। और बच्चे तो कोरे कागज हैं, उनको जैसा चाहो वैसा ढाल दो भाई। कोई बच्चा स्कूल जाना चाहता है मुझे आप बताओ? कोई बच्चा पढ़ना चाहता है? तब आप बोलते हो नहीं पढ़ना तो बहुत जरूरी है, उसे पीट कर पढ़ाओगे, मार कर पढ़ाओगे, किसी भी तरीके से उसे पढ़ाओगे, और क्या पढ़ाओगे? केवल वो पढ़ाओगे जिससे बच्चे का पेट भर जाए और बच्चा एक पशु बन जाए, कि वो कमाने लगे, वो आहार निद्रा भय मैथुन अच्छे से करने लगे, बस माता पिता संतुष्ट, मेरा बेटा बढ़िया भोजन कर रहा है, मेरा बेटा बढ़िया नींद ले रहा है, मेरा बेटा बढ़िया मैथुन कर रहा है, और मेरा बेटा सांसारिक सुविधाओं से पूर्ण रूप से सुरक्षित है, तो बस माता पिता संतुष्ट। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा रहा कि आप माता बच्चों की उपेक्षा करो या उनका ध्यान ना रखो।
उनका वास्तविक ध्यान रखने का मतलब है उनको प्रॉपर भोजन मिले, उनको प्रॉपर शिक्षा मिले, और प्रॉपर शिक्षा का मतलब है भौतिक शिक्षा भी मिले और आध्यात्मिक शिक्षा भी मिले। भौतिक शिक्षा नहीं दोगे तो बच्चे संसार में कैसे सर्वाइव करेंगे, उन्हें आगे कौन सुनेगा? इसलिए भौतिक शिक्षा बहुत आवश्यक है। बहुत अच्छी शिक्षा दो, निश्चित रूप से बहुत अच्छी शिक्षा दो, लेकिन उसके साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी उतनी ही ध्यान से दो जितनी की भौतिक शिक्षा दे रहे हो। ये नहीं कि केवल भौतिक भौतिक में बच्चे को लगाए रखो और जो वास्तविक शिक्षा है उससे कोई मतलब ना रहे बच्चा को, तो ये तो भाव अच्छा नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, या तो बच्चे को पूर्ण रूप से बिगाड़ेंगे, अच्छा पशु बनाएंगे, या तथा कथित थोड़ा ज्ञान हो जाएगा तो सब छोड़ छाड़ के बैठ जाएंगे, बोले पति बोले तुम मुझे दिखना नहीं चाहिए, वो तुम सब माया हो, बच्चा माया है, पति माया है, सास ससुर माया है, घर माया, बोले सब माया, बोले सब दूर रहो, बस मुझे केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोले सब बेकार है, दिन दुनिया सब गड़बड़ है। तो ऐसे तथाकथित मूर्ख साधु नहीं बनना है, समझना है कि हमें अपने सारे उत्तरदायित्वों को निभाते हुए भजन। भक्ति विनोद ठाकुर को देखो ना, आदर्श है हमारे, हमारे आचार्य हैं। कौन सा कार्य नहीं किया, माता पिता का सेवा किया, अपने बच्चों का ध्यान रखा, अपने जिम्मेदारी संसार जिस पद पर थे वो कार्य करते, वो जब कोर्ट में जाते थे तो जो अन्य उनके साथी जिस केस को सॉल्व करने में कई महीनों लगाते थे वो उसको फटाफट सॉल्व कर देते थे, क्योंकि जब किसी का सत्य का चिंतन होता है तो उसकी बुद्धि बड़ी शार्प हो जाती है और वो बड़े अच्छे निर्णय लेती है तुरंत, उसे कोई निर्णय लेने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। जो संसारी व्यक्ति है वो बड़ा कंफ्यूज रहता है, ये करें कि ये करें कि ये करें कि, उसको उसको क्लियरिटी नहीं रहती उसे करना क्या है। लेकिन जो आध्यात्मिक चेतना वाला व्यक्ति है उसको बिल्कुल क्लियरिटी रहती है उसे करना क्या है, उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, और वो निर्णय लेने में संकोच नहीं करता। तो कहने का मूल मतलब यह है कि बच्चों का पूरा ध्यान रखो, लेकिन बच्चों की भौतिक शिक्षा के साथ साथ जो बच्चा है, बच्चा शरीर नहीं है, बच्चा तुम्हारा नहीं है। अच्छा कई बार हम लोग क्या बोलते हैं, बोले आप कौन हो, बोले हम, बोले हम आत्मा हैं, बोले फिर आपका क्या, बोले हम भगवान के अंश हैं। अच्छा बहुत ठीक, अच्छा बच्चा कौन है, बोले वो मेरा बच्चा है। अच्छा तुम भगवान के अंश हो गए और बच्चा तुम्हारा हो गया, बच्चा भी तो भगवान का अंश है, वो तुम्हारा कहां से हो गया, उसकी नाक तुम्हारी नाक से मिल रही है तो तुमने अपना मान लिया, उसका चेहरा तुम्हारे चेहरे से मिल रहा है, तुम्हारे चेहरे से या तुम्हारे पापा या मम्मी के चेहरे से मिल रहा है तो इसका मतलब वो तुम्हारा हो गया। उसका शरीर तुम्हारा हो सकता है, पदार्थ तुम्हारे पदार्थ से उत्पन्न हुआ है, वो बच्चा तुमने उत्पन्न नहीं किया है, वो आत्मा है और वो भगवान का अंश है। तो उस भगवान की अंश बच्चे को क्या आप भगवान की सेवा में लगा रहे हो, क्या उसको प्रेरित कर रहे हो, या उसको केवल बिगाड़ ही रहे हो, जैसे मन को बिगाड़ रहे हो वैसे बच्चे को बिगाड़ रहे हो। आप में से कितने लोगों के बच्चे एक माला जाप करते हैं कम से कम, शायद किसी के नहीं। बहुत अच्छा है, दीपिका माता जी प्रीति माता जी प्रयास कर रहे हैं, गीता का श्लोक उनको लर्न कराओ। बच्चे बहुत आसान, हम लोगों को लर्न करने में टाइम लगता है, बच्चे फटाफट करते हैं। आपको अगली बार से मैंने, हमारे जो बच्चे हैं ना कृष्णा वृंदा और राधिका, अगली बार आपको वो भजन सुनाएंगे कीबोर्ड पे। अगली बार मैंने उनसे कहा है कि आप लोग माता जी की हेल्प करो और ठीक 8:30 बजे जा करके उनको भजन सुनाओ, और वो आपको गीता के श्लोक सुनाएंगे। उनसे आप बोलो जो मैंने उनको महत्वपूर्ण श्लोक हैं, वो गीता के सारे श्लोकों को कंठस्थ करने को बोला है। आप उनसे बोलोगे महत्वपूर्ण श्लोक में, जैसे गीता का 2:14 2:14, तो वो आपको 2:14 तुरंत सुनाएंगे। आप कहो 2:13 तो 2:13 सुनाएंगे। आप कहो गीता 3:14 तो वो 3:14 सुनाएंगे, क्योंकि मैं उन्हें भौतिक और भौतिक शिक्षा भी अच्छी दे रहा हूँ। यहाँ लखनऊ में जो लामार्ट्स स्कूल है उसमें उनको भौतिक एजुकेशन दे रहा हूँ,
कहने का मतलब है हम लोगों को अपने सारे कार्य बड़ी क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ने हैं, बस ये नहीं मानना है कि नहीं नहीं ये मेरे बच्चे हैं। ठीक है ना दीपिका माता जी, क्लियर हुआ? जी प्रभु जी, मतलब मन से उनको दूर रखना है पर अपना कर्तव्य करते रहना। हाँ कर्तव्य, और सही कर्तव्य, कर्तव्य हम लोग कर्तव्य भी नहीं निभा रहे हैं सही, उनको वास्तव में भगवान के चिंतन में लगाना है, हमें ये नहीं लगना है चिंतन में, उनको भी लगाना है। और कम से कम भागवत में क्या कहा गया कि जो व्यक्ति अपने बच्चों को भगवान कृष्ण की सेवा में न लगा सके, यानी उन्हें मुक्त न कर सके, जो पति अपनी पत्नी को मुक्त न कर सके, जो गुरु अपने शिष्य को मुक्त न कर सके, उसे गुरु पति या पिता माता बनने का अधिकार नहीं है। क्योंकि वास्तविकता में हम लोगों का चिंतन पदार्थ का चिंतन है ना, तथा कथित आध्यात्मिक सत्संग कर करके उल्टा सीधा कुछ भी समझते हैं, और हमारा मन हमको समझाता है बोले तुम भी कम सत्संग थोड़ी करते हो, तुम भी बहुत ज्ञानी हो, तुम्हें सब पता है, और कल करते सब उल्टा सीधा है, कोई क्लियरिटी नहीं है, करना क्या है, समझना पहले बहुत आवश्यक है। तो मन को समझा रहे हैं, आगे बोलते हैं, स्वरूप करते ध्यान पाछे जड़ पाए स्थान, एई भय भव ब्रह्म माय, निराकार निर्जन सर्वव्यापी सनातन, अस्वरूप करछे निश्चय। भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप का ध्यान करते समय यदि तुम उनको भौतिक तत्वों से निर्मित मानते हो तो निश्चय ही तुम उनको निराकार समझोगे। तो जब हम भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हैं तो कई बार हम जैसे अपने को मानते हैं वैसे ही भगवान को मानने लगते हैं, हमको लगता है हम अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी से बने हैं, तो भगवान जो नंद यशोदा के पुत्र हैं, जो वसुदेव देवकी के पुत्र हैं, वो भी अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी से बने हैं। जैसे हमारा शरीर है ऐसे ही 5000 साल पहले भगवान का शरीर रहा होगा, जैसे माँ के गर्भ में 9 महीने तक हम उल्टे लटके रहते हैं, इसी प्रकार से जेल के अंदर देवकी माँ के गर्भ में कृष्ण भी 9 महीने तक उल्टे लटके थे। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान का शरीर, भगवान का सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर और भगवान, भगवान का नाम, सब एक है, कोई भेद नहीं है। हमारा नाम अलग है, हमारा शरीर अलग है स्थूल शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर अलग है, और हम यानी आत्मा अलग हैं। लेकिन भगवान का नाम, भगवान का शरीर स्थूल शरीर, भगवान का सूक्ष्म शरीर और स्वयं भगवान एक हैं, वो सच्चिदानंदमय हैं। तो भगवान को समझना इतना आसान नहीं है, शास्त्र के माध्यम से, प्रमाणित गुरु परंपरा के माध्यम से जब हम समझेंगे तो हम समझ पाएंगे कि वास्तविकता क्या है। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी बोलते हैं कि भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप का ध्यान करते समय यदि तुम उनको भौतिक तत्वों से निर्मित मानते हो तो निश्चय ही तुम उनको निराकार समझोगे। तो तुम क्या सोचोगे कि भगवान तो निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं है, कोई शेप नहीं है, जो शरीर उन्होंने लिया था वो निराकार भगवान ने साकार स्वरूप लिया और साकार लीलाएं करी और फिर भगवान को तीर लगा और भगवान ने शरीर छोड़ दिया, भगवान मर गए, फिर उनका अंतिम संस्कार किया गया। ऐसा नहीं है, भगवान प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य जन्म नहीं लेता, सूर्य सुबह सुबह प्रकट होता है और शाम को अप्रकट हो जाता है। तो कोई मूर्ख कहे कि सूर्य ने सुबह सुबह जन्म लिया है
और शाम को सूर्य मर गया है, तो ऐसा नहीं होता। इसी प्रकार से भगवान प्रकट होते हैं, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भगवान प्रकट होते हैं। आप देखते हो वसुदेव देवकी के समक्ष भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं और उनको दर्शन देते हैं, फिर माता पिता को आनंद देने के लिए वो बालक बन जाते हैं। तो कहने का मतलब है भगवान का जन्म और कर्म बड़े दिव्य हैं, उन्हें वास्तविकता से समझना होगा, और जो समझ जाता है वो मुक्त हो जाता है, वो जीते जी मुक्त है। जो भगवान के जन्म और कर्म को जान रहा है, समझ रहा है, वो इस संसार में रहते हुए मुक्त है, वो बंधन में नहीं है। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान को भौतिक मानता है, भौतिक शरीर से निर्मित मानता है, वो सोचता है कि भगवान तो निराकार है। तुम परम भगवान को निराकार सर्वव्यापी शाश्वत तथा व्यक्तित्वहीन मानने की कल्पना करते हो, और ऐसा कौन करता है? मन। भैया ये सोचने की सेवा मन की है ना, तो मन को समझाओ, ये मन सब गड़बड़ियां करता है, कुछ भी सोच लेता है, बस जो सोचना चाहिए वो नहीं सोचता है, क्योंकि ये मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है। जैसे बिगड़ा हुआ बच्चा अपने माता पिता के कंट्रोल में नहीं होता, इसी प्रकार से मेरा मन इतना बिगड़ गया है कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, कुछ भी सोच रहा है, कुछ भी विचार कर रहा है, जो उसको अच्छा लगता है बस वही विचार करता है। तो यहां भक्ति विनोद ठाकुर हम लोगों को बता रहे हैं कि तुम इन मन की कल्पनाओं से बाहर निकलो और सत्य को जानने का प्रयास करो कि सत्य क्या है। आगे बोलते हैं, भावेर अभाव ताहे है त्यज एई तर्क पाश परानंद पराकाश कृष्ण चंद्र करह आश्रय। हे मन, इस भौतिक विचारधारा के कारण वश हृदय में अपना वास्तविक नित्य स्वरूप प्रकट नहीं हो पा रहा, अतएव तर्क वितर्कों की प्रकृति को त्याग कर कृष्ण चंद्र की शरण ग्रहण करो, जो आध्यात्मिक प्रोनोन्माद के सागर हैं। इन भौतिक विचारधारा के कारण जो भौतिक मन में निरंतर जो भौतिक विचार चल रहे हैं, मन जो बार बार शरीर ही मानता है, अपने को अपने बच्चों के शरीरों को ही अपना मानता है, घर को अपना मानता है, शरीर के निकट के लोगों को अपना मानता है, ये जो भौतिक विचारधारा है इसके कारण स्वरूप हृदय में अपना वास्तविक नित्य स्वरूप प्रकट नहीं हो पा रहा। हे मन, तुम इन भौतिक धारणाओं से बाहर निकलो, तब भगवान का वास्तविक स्वरूप तुम्हारे हृदय में प्रकट होगा। तुम फुर्सत तो दो, मन को फुर्सत कहां है कुछ आध्यात्मिक सोचने की, पूर्ण रूप से भौतिकी चिंतन में तो लगा हुआ है। अतएव तर्क वितर्कों की प्रकृति को त्याग कर भगवान परम भगवान श्री कृष्ण चंद्र की शरण ग्रहण करो। परम भगवान श्री कृष्ण हैं, परम भगवान श्री राम हैं, श्री राम की शरण ग्रहण करो, श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करो। और आगे बोलते हैं, सच्चित आनंदमय कृष्णेर स्वरूप है सर्वानंद माधुर्य निलय सर्वत्र संपूर्ण रूप एई एक अपरूप सर्व व्याधि भ्रमे तहन है। भगवान का रूप शाश्वत ज्ञान से परिपूर्ण तथा आनंदमय है। भगवान कैसे हैं? सच्चित आनंदमय है, भगवान सच्चित आनंद से बने हैं। भगवान अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी से नहीं बने, भगवान मन बुद्धि अहंकार से नहीं बने, भगवान सच्चित आनंद से बने हैं। उनका दिव्य रूप समस्त माधुर्य का सागर है तथा वह ही संपूर्ण है, और वो कैसा है? संपूर्ण है।
निश्चय ही यह अद्भुत है, परंतु यही बात सर्वव्यापी ब्रह्म के विषय में नहीं कही जा सकती है। और ये कैसा है? अद्भुत है, लेकिन ये बात जो है वो जो सर्वव्यापी ब्रह्म है उसके विषय में नहीं है। कई बार हम लोग बोलते हैं भगवान कण कण में है, तो वो सही बात है, लेकिन वो किस स्वरूप में है? वो सर्वव्यापी ब्रह्म के स्वरूप में है। भगवान का साक्षात्कार अलग है और ब्रह्म का साक्षात्कार अलग है, परमात्मा का साक्षात्कार अलग है, लेकिन पूर्ण साक्षात्कार भगवान का साक्षात्कार है, श्री भगवान का साक्षात्कार है। और आगे बोलते हैं, अतएव ब्रह्मतार अंग कांति सुविस्तार बृहत बलिया तारे कय ब्रह्म पर ब्रह्म एई श्री कृष्ण स्वरूप से विनोदेर यहां ते प्रणाय। निर्विशेष ब्रह्म जो निराकार भगवान को लोग दो स्वरूपों में मानते हैं, पूरे विश्व में आध्यात्मिक दलों की आध्यात्मिक दलों के दो भाग हैं, एक निराकार उपासना करने वाले और एक साकार उपासना करने वाले। जितने भी मुस्लिम धर्म के अनुयायी हैं, ईसाई धर्म के अनुयायी हैं, यहां तक कि सनातन धर्म में भी बहुत सारे अनुयायी हैं, वो भगवान के निराकार स्वरूप का पूजन करते हैं। वो मानते हैं कि भगवान निराकार है, एक शक्ति है जो सारे संसार को चला रही है, लेकिन वो भगवान कृष्ण हैं ये नहीं मानते। वो भगवान के भगवान ये तो मानते हैं कि हाँ कोई शक्ति है जो संसार को चला रही है, पूरे संसार को मैनेज कर रही है, लेकिन उनसे कहा जाए वो कौन है या उनको समझाया जाए ये भगवान कृष्ण, तो कहते ऐसा थोड़ा ही है, जिसको मानो वही है। लेकिन वास्तविकता में ये जो दोनों दल हैं आध्यात्मिकता के, जिनमें एक मानता है कि भगवान निराकार है, यानी उसका कोई आकार नहीं है, लेकिन हाँ भगवान है, वो शक्ति है जो पूरे संसार को चला रही है, और एक दूसरा साकारवादी दल है, सगुण साकारवादी, जो मानता है या जानता है कि भगवान का स्वरूप सच्चिदानंदमय है और भगवान हमारे आपके जैसे व्यक्ति हैं, भगवान भी हम हमारे आपकी तरह प्रेम चाहते हैं, हम लोगों को भी प्रेम चाहिए, प्यार चाहिए, ऐसे भगवान भी हमारे तरह एक व्यक्ति हैं, वो भी प्रेम चाहते हैं, उन्हें भी हमारा प्यार चाहिए। तो सगुण विचारधारा वाले लोग या साकार स्वरूप को मानने वाले लोगों की संख्या संसार में बहुत कम है, बहुत कम, बहुत कम, लेकिन निराकार उपासना करने वाले लोगों की संख्या बहुत 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 अधिक है। हर दूसरा व्यक्ति निराकार स्वरूप को ही मानने वाला है। तब आप कहेंगे अरे जब दुनिया में इतने सारे लोग निराकार स्वरूप को मानते हैं तो सत्य तो यही हुआ ना कि निराकार ही है भगवान। अरे भाई पूरी दुनिया में कितने मुस्लिम हैं, सारे एक स्वर में बोल रहे हैं भगवान निराकार है, कितने ईसाई हैं वो सारे एक स्वर में बोल रहे हैं भगवान निराकार है, और तो और आपके सनातन धर्म में भी बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि भगवान निराकार है। तो सही बात तो यही हुई ना कि भगवान निराकार है, परम सत्य तो यही हुआ ना। सगुण साधना तो बड़ी सरल साधना है, लोगों का आसानी से मन लग जाता है, इसलिए उनको सगुण उपासना बताई गई, मूर्ति पूजा बताई गई, लेकिन असली बात तो यही है कि भगवान निराकार है, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे अधिक लोग मान रहे हैं। ठीक बात है, क्या विचार है आप लोगों का, क्या विचार है? मैं इसको क्लेरिफाई करने से पहले मैं जानना चाहता हूं आप कैसे सोचते हैं। त्रिपाठी माता जी क्या विचार है आपका, भगवान निराकार है कि साकार है?
पूरी दुनिया मान रही है भगवान निराकार है। पर मैं तो मतलब हम लोग ने मूर्ति पूजा की है तो हम तो आकार जैसे मानते हैं श्री कृष्ण को, राम को, हनुमान जी को, तो उस तरह से आकार रूपी भगवान ही मानते हैं। तो आप निराकार को नहीं मानते, पूरी दुनिया के लोग बोल रहे हैं और कई बार आपको भी समझ में आता है कि हाँ भगवान राम का तो आकार कुछ समय के लिए ये हुआ पता था। है कि जो शक्ति है वो निराकार है, वो हमारी समझ से, हमारे हमारे बुद्धि से परे है। जो ऊपर वाले की शक्तियां हैं, जो उनके पावर हैं, वो चीजें अलग है, लेकिन मानते तो हम मूर्ति पूजा में ही हैं। हमें ये पता है कि उनका एक आकार है अच्छा और नहीं, मेरा एक सिंपल सा प्रश्न है, जैसे भगवान कृष्ण का आप पूजा कर रहे हो, भगवान राम की पूजा कर रहे हो, तो भगवान राम का या भगवान कृष्ण का स्वरूप द्वापर युग में जब भगवान आए तो उनको कृष्ण स्वरूप के दर्शन हुए आपको, है ना? त्रेता युग में भगवान राम आए तो भगवान राम के स्वरूप का दर्शन हुआ, तो त्रेता युग से पहले तो राम का स्वरूप नहीं दिख रहा था, या द्वापर से पहले कृष्ण का स्वरूप नहीं दिख रहा था, तो ये भगवान पहले तो निराकार ही होंगे ना, बाद में आकार लिया होगा इन्होंने। हाँ तो निरा अब ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ भगवान है निराकार स्वरूप में। अब हम उन्हें देख नहीं सकते, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है। नहीं, वो तो देखिए भगवान है ये तो 90% लोग मानते हैं, 10% लोग नास्तिक विचारधारा के हो सकते हैं और वो कहें कि भगवान नहीं है, और अंतोगत्वा वो नास्तिक व्यक्ति भी स्वीकार करता है कि भगवान है। प्रश्न ये नहीं है कि भगवान है या नहीं है, प्रश्न ये है कि भगवान निराकार हैं या साकार हैं, उसमें आपका क्या विचार है या आप कहां तक समझे हैं? आकार रूपी भगवान को मानते पर निराकार में भी है, क्योंकि भगवान तो हर कण में है। जो हमें दिखाई नहीं देता वो उसमें भी ईश्वर मौजूद है। हमारी आंखों में हर चीज तो नहीं दिखती है ना, कुछ कण है जो हमें नहीं दिखाई तो देते, बट भगवान फिर का भी हम मेरा ये एक नहीं सर मानते। मेरा एक सरल प्रश्न है, चलो इस प्रश्न को और सरल कर दें, भगवान साकार रूप में है यानी उनका साकार रूप ही वास्तविक स्वरूप है, या भगवान का निराकार स्वरूप ही वास्तविक स्वरूप है? भाई दो स्वरूप है मान लो, भगवान एक ही भगवान है, एक ही भगवान निराकार भी है और साकार भी है, तो मेरा आपसे सरल प्रश्न इतना है कि भगवान साकार स्वरूप है भगवान का, या भगवान का निराकार स्वरूप है, आप किससे सहमत हो? हम साकार रूपी से सहमत हैं, मतलब भगवान साकार है, मैं उनकी बात चलो ठीक है। प्रीति माता जी क्या विचार है? नहीं। हाँ प्रभु जी, जैसे सन है, सन एक शेप है, लेकिन उसकी जो रोशनी है, मतलब रोशनी पहले आती है, सन मतलब बाद में हमें दिखा, सन की रोशनी से हमें पता चलता है कि सन आ गया। तो मतलब सन की रोशनी को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे निराकार हो गया, और सन उसको साकार रूप समझ सकते हो। तो भगवान के साथ भी ऐसे ही है, भगवान है, भगवान की जो रोशनी है उसको निराकार रूप मान सकते हैं। नहीं ठीक है, तो आप क्या मानती हैं, भगवान साकार हैं या भगवान निराकार है? साकार मानते हैं प्रभु जी। अच्छा, डाउट वाला साकार तो नहीं है या 100% वाला साकार है? 100% वाला साकार। ठीक है ठीक है। उपेंद्र प्रभु क्या विचार रखते हैं, बोल पाएंगे आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि वहां से ऑफिस से बात कर पाए? नोएता माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं क्योंकि हम लोग, जैसे मैं अपनी बात कर रही हूँ जी कि सगुण उपासना, और अभी हम मेरी चेतना उस लेवल तक नहीं पहुंची है जहाँ मैं भगवान के मैं निराकार स्वरूप को मानती हूँ जी, आप निराकार स्वरूप को मानते हैं, जी। ठीक है धन्यवाद। और कोई बताना चाहेगा? सुप्रिया माता जी बताना चाहेंगी? साकार साकार को मानती हैं। आशीष प्रभु, उपेंद्र प्रभु बोलना चाहते हैं जी, बोलिए उपेंद्र प्रभु रूप, सुन रहे हैं आपने? जी। मैं विश्वास
अगर मेरी डेफिनेशन होगी और जिस तरीके से मैं मान तो मैं सर्वाकार बजाऊंगा, मेरे सभी जगह हैं, आकार हैं, लेकिन वो जहाँ पे हम लोग इसी तरीके से कहते हैं ना कि कण कण राम से, तो कहीं भी हम उनको एक्सपेक्ट कर सकते हैं या मान सकते तो भगवान निराकार है ना, मतलब भाई देखो अगर सब जगह भगवान है, मान लो आपके हिसाब से गिलास में भगवान है तो भगवान गिलास जैसा हो गया, लोटे में भगवान है तो लोटे जैसा भगवान हो गया, और अगर जग में भगवान है तो जग जैसा भगवान हो गया, घर में भगवान है तो घर जैसा भगवान हो गया, तो उसका कोई आकार नहीं हुआ ना, निराकार हो गया। हाँ, तो फिर आपसे निराकार। हाँ तो मतलब आप निराकार मानते हैं ना। हाँ तो बस मैं सिंपल सा वही तो पूछना चाह रहा हूँ। और किसी का कोई आशीष प्रभु का क्या विचार है? दो दो आशीष प्रभु हैं, एक दूसरे आशीष सिंह प्रभु का बड़े दिनों में दर्शन हो रहा है। गुरु जी, मैं भी भगवान की तरह ही हो गया हूँ, लगता है जो जब मन किया तब मैं उत्पत्त आ गया हूँ आज। तो मन के अनुसार चल रहे हैं आप। अब आप कह सकते हैं मन के अनुसार चल रहे हैं। दीपिका माता जी मुझे खींचती रहती हैं कि नहीं आई 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 है, लेकिन क्यों दीपिका माता जी परेशान करती हो आशीष प्रभु को? अच्छा खासा उनका जीवन चल रहा है, डिस्टर्ब कर रही हो आप उनको। मेरे साथ घर भी है, ऑफिस भी है, सब चीजें हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी, तो यहाँ तो आज जितने लोग मौका मिला बैठे तो मैंने कहा हैं, चलो। यहाँ जितने लोग बैठे हैं प्रभु जी सबके साथ घर है, मेरा भी घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरा ऑफिस है मेरे पास। नहीं, मेरे साथ दिक्कत यह है कि मैं कहीं मना नहीं कर पाता हूं। ये तो अच्छी बात है ना, अच्छी चीज में मना नहीं करते हो ये तो अच्छी बात है, लेकिन बुरी चीज के लिए कोई कहे भाई शराब पी लो आपको, भाई मैं तो मना नहीं कर पाता हूँ, मैं पी लेता हूँ, या किसी ने कहा थोड़ा व्यभिचार कर लो तो मैं कहता हूँ भाई मना नहीं होता मुझसे, चलो कर ही लेते हैं। नहीं, वो आपने एग्जाम्पल बड़ा ऐसा रख दिया मेरे सामने कि ना हाँ कहते बन रहा है, ना कहते बन रहा है। लेकिन मतलब मेरा अपना स्वरूप यह है कि मैं जनरली किसी चीज को ना नहीं कर पाता हूं, लेकिन यह है कि इसमें थोड़ा जिसमें सा हमने खुश अपने रहे अगल बगल। आप अपने इस स्वभाव में थोड़ा सा ऐड कर दीजिए कि जब भी कोई अच्छी बात होती है ना, खास करके सत की बात होती है या कुछ सद्विचार की बात होती है तो मैं उसमें ना नहीं कर पाता है ना, लेकिन जब कोई संसार की या उतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं होती तो मैं ना कर सकता हूँ, क्योंकि अगर आप किसी में ना नहीं करेंगे तो फिर आप जीवन को दिशा कैसे दे पाएंगे? बात सही है। तो मेरा सरल प्रश्न था आपसे, आप क्या मानते हैं, भगवान निराकार है भगवान साकार है? हाँ साकार या निराकार? कभी इस चीज को मैंने इस एंगल से देखा नहीं है। मैं एक भगवान को मान रहा हूँ और उनका ही नाम हमेशा मेरे जबान पे आता है। मैं किसी भी मूर्ति के सामने खड़ा रहा हूँ लेकिन एक ही भगवान का मेरे दिमाग में नाम आता है। अब वो चाहे मैं, अगर मान लीजिए कृष्ण भगवान के सामने खड़ा हूं तो भी मेरे जो जिनको मैं मान रहा हूं उनका नाम आता है, चाहे शिव भगवान के सामने खड़ा हूं तो भी उनका नाम आता है। तो मैं अपने अपने आप को इस तरीके से देख रहा हूँ, जिनको मैं मान रहा हूं उनको ही मैं उसी रूप में देखना चाहता हूँ। तो लेकिन एक चीज समझिए, जैसे मान लो आपका माता से बहुत प्रेम है ना, माता ने आपको जन्म दिया है, तो जिसने आपको जन्म दिया है वास्तव में माता तो वो हुई ना, और आपका माता से प्रेम भी हुआ, जी और आप संसार में बिल्कुल। किसी के सामने जाते हो और उसे माता मान करके प्रणाम कर लेते हो, तो ये माता के साथ जाती होगी कि नहीं होगी? माता को क्या लगेगा, देखो पैदा इसको मैंने किया, 9 महीने पेट में मैंने रखा, पाला पोसा इसको मैंने, और ये किसी के सामने जाकर के बोलता है कि अच्छा माता जी आपको प्रणाम, माता को नहीं, बुरा लेकिन लगे? उसमें एक चीज और है ना, अगर कोई माता नहीं, लेकिन उसमें एक चीज और है, अगर कोई माता है तो अगर माता की देने की नियत है और दयालु भाव है तो जो जन्म दी है या चाहे जिसकी आप पूजा कर रहे हैं या जिसको आप मान रहे हैं, दोनों में द्वेष नहीं होना आप चाहिए। समझो द्वेष वाली बात नहीं है, केवल सत्य की बात है, यहां द्वेष कहां हुआ? अगर जिसने आपको जन्म नहीं, दिया जैसे अभी है, आपने एग्जांपल, नहीं नहीं मैं आपको वही एग्जाम्पल के आधार जैसे पे तो अभी बता आप, रहा हूं, मैं एग्जाम्पल को ही क्लियर कर रहा हूं, जैसे माता ने जन्म दिया तो माता को केवल सत्य माता कहना चाहती है कि बेटा तुम सबको सम्मान करो, तुम सबको आदर दो, मैं ये नहीं कह रही, माता ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि तुम केवल मेरी ही सेवा करो, मुझे ही सम्मान दो और किसी को सम्मान मत दो या किसी और को सेवा मत करो, कहने माता केवल ये कहती है, लेकिन सत्य तो बोलो बेटा, तुम्हें पाला पैदा तो मैंने किया है, तुम आदर सबको दो सम्मान सबको दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम संसार में सबको पिता नहीं बोल सकते, सबको माता नहीं बोल सकते,
जिसने जन्म बात दिया सही है है। वही माता पिता हैं। हम माता पिता बोल करके लोगों को आदर दे सकते हैं, लेकिन वास्तव में माता पिता वही हैं जिन्होंने जन्म दिया। बस इतना ही परमात्मा के विषय में समझना आवश्यक है, बस व्यक्ति को क्लियरिटी आ जाएगी। तो खैर, हम लोग बात कर रहे थे भगवान निराकार है या साकार है, तो आप क्या मानते हैं, साकार है या निराकार है? बस मेरा एक सरल प्रश्न है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक नजरिया है ना, तो इसलिए मैं केवल इतना जानना चाहता हूं आपका क्या विचार है बस। मैं इस तरीके से उसको मानता हूँ कि हमने डिफरेंट डिफरेंट आकार दिए हुए हैं और हर आदमी किसी न किसी आकार को लेकर के उसकी पूजा याचना किए जा रहा है। ठीक है, अब रियल में भगवान उस आकार में बसते हैं नहीं बसते हैं, ये तो मतलब ऐसा विषय है कि इसका आंसर ना मैं दे सकता हूँ ना मैं बता सकता हूँ, और ना ही बेसिकली अनुभव की बात है। अगर आपने अनुभव कर लिया तो आपको पता चल जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक अगर बात आपने अनुभव नहीं किया है तो आप मिलीजुली बात करते रहेंगे हमेशा। जी। तो बस अनुभव इम्पोर्टेंट है, तो अनुभव जब होगा तभी आप सत्य को समझ पाएंगे, है ना? ठीक, बहुत अच्छी बात है। आशीष प्रभु क्या विचार रखते हैं? आशीष प्रभु हैं कि नहीं दीपका माता जी? आशीष प्रभु नजर नहीं आ रहे हैं। प्रभु जी वो है, एक मिनट देती हूँ। आज एक्चुअली मुझे वो पा करके आज बूस्टर वो उनको मौका मिल गया गायब होने का। नहीं, एक्चुअली आज बूस्टर मिला है तो वो उनकी तबीयत थोड़ा फीवर वगैरह है तो यहीं पे है अच्छा लेकिन अच्छा लेटे हुए हैं। अच्छा कोई बात नहीं, कोई नहीं। तो खैर, हम लोग अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते प्रभु हैं। जी मेरा बस जी जैसे मेरा ये क्वेश्चन हमेशा माइंड में आता है कि जैसे जो निराकार साधना करते हैं और बड़े महान महान लोग रहे हैं, बड़े बड़े जैसे आदि शंकराचार्य है ये लोग, तो क्या इतने लेवल पे पहुंच के भी उनको भगवान का मतलब थोड़ा भी साकार का आइडिया नहीं लगता होगा क्या? नहीं, देखिए, शंकराचार्य को कोई कंफ्यूजन नहीं है। शंकराचार्य भगवान साकार भगवान की ही उपासना करते थे। शंकराचार्य का ही बड़ा सुंदर भजन है, आप लोग गूगल पर इंटरनेट पर सर्च कर लो, उनके द्वारा रचित भजन है, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। ये शंकराचार्य ने गाया है, आप इसका इसका अर्थ सुनोगे ना, इसको एक बार गूगल पे सर्च करना, भज गोविंदम भज गोविंदम। और इसका नहीं, नहीं, आपने सुना होगा, लेकिन इसका अर्थ समझो कितना गहरा अर्थ है। तो शंकराचार्य को कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, शंकराचार्य के तथा कथित अनुयायियों को कंफ्यूजन हो सकता है। शंकराचार्य आदि शंकराचार्य हैं, स्वयं शंकर भगवान हैं, उनको कोई कंफ्यूजन नहीं है, उनके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। आप क्या सोचती हैं, भगवान निराकार है कि साकार है? प्रभु जी आप जैसे भागवत गीता श्रीमद् भागवतम पढ़ के साकार रूप ही लगता है, और पहले लगता था कि भगवान है पर मुझे नहीं पता है किस रूप में, तो मैं जानना चाहती हूँ। तो अभी आप कंफर्म है साकार रूप में है? हाँ आप कंफर्म लगता है, देखा नहीं है लेकिन जैसे भगवान की कृपा इतनी दिखती है लगती है तो लगता है कि हाँ भगवान तो है। कृपा तो निराकार भी कर सकता है। निराकार है पर जैसे भावनाएं हैं, भाव जैसे आप भावनाओं को कोई रेसिप्रोकेट करे तो वो साकार ही होगा निराकार। देखिए, इसको समझ लीजिए, बहुत एक मोटे उदाहरण से, सरल तरीके से संसारी भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा, भगवान के साकार स्वरूप को समझना सरल है या भगवान के निराकार स्वरूप को समझना सरल है? फिर अगला एक प्रश्न, आप क्या सोचते हैं? मोहिता माता जी क्या साकार सोचती हैं? मेरे लिए आसान सोचना निराकारी रूप है। हाँ, सरल निराकार में कोई ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से समझ लेगा। अरे नहीं, कोई शक्ति है जो पूरे संसार को चला रही है, कोई मैनेजमेंट ऐसा है जो दिन हो रहा है, रात हो रही है, सर्दी हो रही है, गर्मी हो रही है, सब्जियां उग रही हैं, फल उग रहे हैं, फूल उग रहे हैं, कोई व्यवस्था है, कोई तो है जो इस व्यवस्था को चला रहा है। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत सरल तरीके से कोई भी समझ सकता है कि कोई एक शक्ति है जो पूरे संसार को गवर्न कर रही है।
लेकिन हम इंसान उसको बिगाड़ रहे हैं, तो भगवान उसको सुधार कैसे रहे हैं? लेकिन ये भी एक प्रश्न है। फिर हम लोग विषयांतर हो जाएगा। अभी जिस विषय को ले रहे हैं उसको समझ लेते हैं, आपसे अलग इस विषयों पर चर्चा कर लेंगे। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि भगवान के साकार स्वरूप को समझना सरल है या भगवान के निराकार स्वरूप को समझना सरल है। तो मोहिदा माता जी ने उत्तर दिया कि निराकार स्वरूप को समझना सरल है, और ये ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए मैं एक भौतिक उदाहरण देकर के आपसे पूछता हूं, आप बताओ, पूरी दुनिया में KG 1 पास करने वाले लोगों की संख्या अधिक है या PhD करने वालों की संख्या अधिक है? ऑब्वियसली KG 1 की। तब आप कहेंगे जो KG 1 वाले जो शिक्षा है वही पूर्ण शिक्षा है, वो बिल्कुल सही है। उनके देखो कितने सारे लोग हैं पूरी दुनिया में, सारे लोग एक स्वर में KG 1 किए हुए हैं। अच्छा, PhD करने के लिए समय चाहिए, शरणागति चाहिए, टाइम चाहिए, इन्वॉल्वमेंट चाहिए, मन की एकाग्रता चाहिए, तब जाकर के आप PhD कर पाओगे। वो इतना सरल नहीं है। तो ऐसे ही भगवान का जो साकार स्वरूप है कि वास्तव में भगवान कौन है, उनका क्या स्वरूप है, उनका क्या नाम है, कौन भगवान है, इतने देवी देवता हैं, इनमें प्रमुख कौन है, किसकी किससे उत्पत्ति हुई है, कौन कहाँ से आया है, इन सब विषयों को समझने के लिए टाइम चाहिए ना, थोड़ा दिमाग चाहिए, शरणागति चाहिए, थोड़ा चीजों को समझने के लिए इन्वॉल्वमेंट चाहिए, वेदों को पढ़ना पड़ेगा, अंडर गाइडेंस पढ़ना पड़ेगा, तब चीजें क्लियर होंगी ना। और उतना कौन करना चाहता है? बोले बहुत आसानी से बोलो, बोले हाँ भगवान निराकार, बोले कोई शक्ति है जो सबको चला रहा है, बोले ठीक है, ज्यादा झंझट में पड़ने की जरूरत क्या है। लेकिन सत्य तो सत्य रहेगा, सत्य को समझने के लिए हमें थोड़ा समय देना पड़ेगा, थोड़ा शरणागति करना होगा, और फिर निश्चित रूप से हम समझ पाएंगे कि वास्तविक सत्य क्या है। शास्त्र में बताया गया, अब हम लोग थोड़ा शास्त्र के उदाहरण से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि वास्तव में साकार भगवान क्या है और निराकार भगवान क्या है। इसको सूर्य के उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे प्रीति माता जी बता रही थी, एक सूर्य का प्रकाश है, एक सूर्य का लोक है, और एक स्वयं सूर्य भगवान यानी विवस्वान। तो अधिकतर लोगों की पहुंच सूर्य की किरणों तक है, सूर्य के प्रकाश तक है। बहुत कम लोगों की पहुंच सूर्य के गोलक तक है, यानी सूर्य ग्रह तक है, जहां से ये रोशनी आ रही है, जहां से ये प्रकाश आ रहा है। और उसके बाद अंदर सूर्य के प्रवेश करके इस सूर्य की जो शक्ति दे रहा है, भाई देखिए जैसे ट्रेन चल रही है, तो ट्रेन चलती हुई दिख रही है, लेकिन उस ट्रेन के अंदर जो ड्राइवर बैठा हुआ है, जो ट्रेन को चला रहा है, वो बाहर से नहीं दिख रहा है, लेकिन चलाने वाला वो ड्राइवर ही है। प्लेन बाहर से चलता हुआ दिख रहा है, लेकिन प्लेन को चलाने वाला पायलट है। ऐसे ही जो सूर्य है, इस सूर्य को जो चला रहा है, कि सूर्य सुबह पूर्व दिशा में होता है, फिर पश्चिम दिशा में होता है, सॉरी पूर्व में होता है, उत्तर में होता है, दक्षिण में होता है, कहने का मतलब यह है कि ये जो सूर्य चक्र लगा रहा है, इसे कौन चला रहा है, इसके अंदर कौन है? तो शास्त्र बताते हैं विवश्वान, वर्तमान समय में जो ड्राइवर है सूर्य रूपी ट्रेन का, वो विवश्वान है। जैसे आप लोग जाते हो ना फ्लाइट में बैठते हो, तो बताया जाता है, एयर होस्टेस आती हैं, अब आपको यहां से वहां तक इतना समय लगेगा, और आपको ये पायलट हैं और मैं हूं, आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे, है ना। तो ऐसे ही वो सूर्य लोक को, सूर्य ग्रह को चलाने वाला कौन है? विवश्वान। वो हमारे आपकी तरह, हमारे और आपके जैसी एक जीवात्मा है, जो कुछ समय के लिए उनको सूर्य चलाने की सेवा दी गई है, और उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा,
फिर दूसरी जीवात्मा जाकर के उस पर बैठेगी। शास्त्र बताता है जैसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ये पद हैं, इन पर अलग अलग व्यक्ति जाकर के बैठते हैं और उनका एक निश्चित कार्यकाल है। इसी प्रकार से सूर्य, चंद्र, वरुण, इंद्र ये सब पद हैं, इन पदों पर जाकर के सतोगुणी जीवात्माएं बैठती हैं। गीता में भगवान बता रहे हैं 14वें अध्याय में कि सतोगुणी जीवात्माएं उच्च लोक जाती हैं, देवता बनती हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, ये तीनों अध्ययन अलग हो गए। एक सूर्य की धूप का अध्ययन, जो कि जिसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति तक धूप पहुंच रही है, उसके ताप को, उसके प्रकाश को प्रत्येक व्यक्ति देख रहा है और समझ रहा है, उसे बहुत ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया भगवान का निराकार स्वरूप। और जो गोलक है, यानी अंदर जो वास्तव में सूर्य भगवान है, विवश्वान, तो ये वास्तव में हो गए भगवान, यानी भगवान का वास्तविक स्वरूप। तो शास्त्र को जब हम पढ़ेंगे, समझेंगे, जब हम गीता, अभी देखिए हमारा कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, हमें बड़ी ईमानदारी से ये स्वीकार करना चाहिए कि हमने अभी गीता तथा भागवत को पढ़ा ही नहीं है, समझा ही नहीं है। तो जब हमने समझा नहीं है तो हम से, मैं ऐसा सोचता हूं, ये बोलना तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर कोई बोले कि पढ़ा भी नहीं है, समझा भी नहीं है और कहे बस इतना ही, यही सब कुछ सही है, बोले मुझे समझाने की कोशिश मत करो, बोले भगवान निराकार है, निराकार है, निराकार है, बस मैं नहीं मानता, नहीं है, बोले भगवान निराकार बोल दिया ना तुमसे, मेरा टाइम खराब मत करो, बस भगवान निराकार है, निराकार है, निराकार है। तो कहने का मतलब है, अगर हम सिद्धांतों को सुनेंगे, समझेंगे, तो चीजें स्पष्ट होंगी और हम समझ पाएंगे कि वास्तव में भगवान का क्या स्वरूप है। ब्रह्म संहिता में बताया गया, ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भगवान के शरीर से करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश निकलता है, अंग कांति जिसे बोलते हैं। और इसको बड़े सरल भाषा में आचार्यों ने समझाया, सॉरी, जैसे बल्ब है, बल्ब, तो बल्ब से प्रकाश आता है या प्रकाश से बल्ब आता है, ट्यूबलाइट से रोशनी आती है या रोशनी से ट्यूबलाइट आती है। तो आप कहेंगे अरे इसमें कौन सा बहुत दिमाग लगाने वाली बात है, ट्यूबलाइट से रोशनी आ रही है, बल्ब से रोशनी आ रही है, रोशनी से बल्ब थोड़ी आएगा। तो इसी प्रकार से जो निराकार ब्रह्म ज्योति है, जो भगवान का निराकार प्रकाश है, ये भगवान की अंग कांति है। तो जैसे जैसे हम चीजों को समझेंगे, जानेंगे, तो और डीप में जाएंगे तो हम समझ पाएंगे। तो यहां भक्ति विनोद ठाकुर इस प्रार्थना में यहां यही बोल रहे हैं कि निर्विशेष ब्रह्म परम भगवान श्री कृष्ण की अंग कांति है, उनके अंग से ही निर्विशेष ब्रह्म के उद्गम हैं, और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं और बोलते हैं कि मैं निराकार की नहीं, मैं निर्विशेष ब्रह्म की नहीं, मैं श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता हूं, चूंकि वो परम सत्य हैं। एक होता है सापेक्ष सत्य और एक होता है परम सत्य। एक सत्य दूसरे सत्य पर निर्भर है, ऐसा सत्य वास्तविक सत्य नहीं है। वास्तविक सत्य तो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। तो यहां पर अगर हम निराकार ब्रह्म की बात करें तो वो परमात्मा से निकल रहा है, यानी भगवान के अंग कांति से निकल रहा है। तो उसका कारण, उस निराकार स्वरूप का कारण भगवान है, भगवान से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, प्रकाश से भगवान उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, ये सिद्धांत है। तो यहां पर ही हम लोग इस चर्चा को विराम देंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। किसी के कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं।